हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध कुमार, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ट्रेनिंग सीरीज। यस दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रूट प्योर के इस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। सो यस, चलिए ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, रूट प्योर एक शुरुआत जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और डेफिनेटली आपने वो शुरुआत कर लिया है और आप जिंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते पे चल पड़े हैं। जो स्लोगन है आपका रूट प्योर का, निर्णय आपका संकल्प हमारा, जो निर्णय आपने लिया है अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पूरी की पूरी रूट प्योर मैनेजमेंट और हम सभी के सभी आपके लीडर और कंपनी दिन रात समर्पित है, संकल्पित है आपके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो कदम से कदम मिला करके चलेंगे और हिंदुस्तान के एक एक डायरेक्ट सेलर के सपने को पूरा करेंगे। अब मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ, और मुद्दा ये है कि आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आप सब लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यस दोस्तों, और जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है डाबारूट। हाँ, डाबारूट के क्या रिजल्ट हैं वो आपके वीडियोस और आपके टेस्टिमनी से मुझे भी दिखता है, मुझे भी पता लगता है, और मेरे साथ साथ हिंदुस्तान के लाखों लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि रूट प्योर का प्रोडक्ट कितना दमदार है, उसके रिजल्ट कितने शानदार हैं। तो जब डाबारूट प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊं तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये उन लोगों के लिए है जो हमारे भाई बहन, जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे बड़े या इवन बच्चे, कोई भी जिनको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, हाँ जिनका ब्लड शुगर लेवल एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज है उनके लिए आपका ये डाबारूट प्रोडक्ट रामबाण है, अमृत के समान है। तो इस प्रोडक्ट में क्या डले हैं, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसको कैसे लेना है, किस क्यों ये इतना असरकारी है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, जिसको पहले से मालूम नहीं है, पहले से वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं और अचानक डायबिटीज हो जाता है, उनको कई बार पता नहीं लगता, तो मैं आपको सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि अगर कुछ सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम्स किसी को आ है तो उनको जाकर के अपने शुगर लेवल को ब्लड सैंपल दे करके चेक करवाना चाहिए कि क्या उनको डायबिटीज तो नहीं हो गया। तो क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं हम सिम्टम्स क्या क्या होता है डायबिटीज के अंदर। तो पहला आप देख रहे होंगे इंक्रीज्ड हंगर, वो अचानक से तेज भूख लगना, मतलब इतना ज्यादा भूख लगेगा कि लगता नहीं है कि कंट्रोल नहीं होगा, बहुत तेज भूख लग गया तो डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको ज्यादा भूख लगता है इसका मतलब डायबिटीज ही है, लेकिन हाँ ये मेडिकल साइंस कहता है, रिसर्च कहता है, स्टडी कहती है कि अगर ऐसा है तो ये एक लक्षण हो सकता है डायबिटीज के। दूसरा क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगना, ये भी एक डायबिटीज होने के संकेत हैं। और वेट लॉस, अचानक किसी का वेट अचानक लूज कर गया, इसमें बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं डायबिटीज होने के, ब्लड शुगर लेवल बढ़े होने के। तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि वेट बढ़ना तो लाजमी है, वेट घटना लाजमी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया आज वेट को कम करने के लिए न जाने कितने सारे सप्लीमेंट लेती है, न जाने कितने सारे एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर ऐसे में किसी को बिना किसी कारण के वेट लूज हो गया तो डेफिनेटली ये एक मिनट के लिए चिंता की बात है। अगर आपने जानबूझकर वेट लूज करा है तो फिर ठीक है, आपने डाइटिंग करा है, आपने फूड सप्लीमेंट्स लिए हैं, उसके लिए आपने उतने एक्सरसाइज करे हैं, आप उतने फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि आपका वेट लूज हुआ, तो इट्स नॉर्मल, वरी नॉट। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं करा, अगर आपने डाइटिंग नहीं करी है, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए कुछ ले नहीं रहे हैं सप्लीमेंट्स, और उसके बाद भी वेट लॉस हो गया अचानक से, तो निश्चित रूप से हमें अपना डायबिटीज, अपना शुगर लेवल चेक कराना चाहिए, और ये जानने के लिए कि डायबिटीज तो नहीं हो गया।
और है कुछ कुछ सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर जल्दी जल्दी किसी को यूरिन आता है, जल्दी जल्दी पेशाब करना जाते हैं, तो भी ये संकेत है कि हो सकता है डायबिटीज हो, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। अगर अचानक से विजन ब्लरी होने लग गया, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लग गया, तो वो भी डायबिटीज की तरफ संकेत देता है। ब्लड शुगर हाई होने की तरफ संकेत देता है। एक्सट्रीम फैटिग, मतलब बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं, अगर आप किसी काम को करते हुए थकान बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर में, तो भी वो एक संकेत है डायबिटीज होने का। तो हमें एक बारी अपना शुगर लेवल को जरूर चेक करवाना चाहिए। एंड सोर्स दैट डोंट हील, मतलब कोई ऐसा घाव हो गया, कोई कट लग गया, जिसको ठीक होने में बहुत अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो वो डायबिटीज लेवल का एक सिंबल है। डेफिनेटली जाकर के आपको अपने शुगर लेवल को चेक कराना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बात करा, ये हमने सिम्टम्स के बारे में बात करा कि सिम्टम्स अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखता है, तो आप किसी भी पैथोलॉजिस्ट पे जाकर के अपने ब्लड का सैंपल दें फास्टिंग में और खाने के 2 घंटे बाद, और दोनों का आप ब्लड शुगर लेवल को जरूर चेक करें, क्योंकि ब्लड शुगर अगर शरीर में बढ़ता है, हम जब डायबिटिक हो जाते हैं, तो डायबिटीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं आपको फिर से कहता हूं, जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन, जितने भी रूट प्योर के एडवाइजर या रूट प्योर परिवार से बाहर का भी कोई सदस्य अगर मुझे इस वीडियो में देख रहा है, मुझे सुन रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि डायबिटीज को इग्नोर मत करिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि खुद तो वो बीमारी नहीं है, डायबिटीज अपने आप में खुद बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज अगर है, हमें ब्लड शुगर लेवल अगर एक्सट्रीम पे है, बहुत ज्यादा रहता है, तो वो कई बीमारियों का कारण बनती है, वो कई बीमारियों का जननी है, वो तरह तरह के हमारे शरीर में परेशानियां मुश्किलें पैदा कर सकती है। वो क्या क्या है, टाइप एंड कॉज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के कारण क्या क्या है, और डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं, हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम के वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज क्रिएट होता है हमारे बॉडी में। जी हाँ, बड़ा अद्भुत सी चीजें हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं और बड़े सारे लोग नहीं जानते हो, मैं आपको बताता हूं। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये कम लोगों को होता है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल परसेंटेज, अगर 100 डायबिटिक पेशेंट को आप लेंगे, तो उसमें से एक डेटा कहती है कि वो 100 में से 10 लोग ही ऐसे हैं, मतलब 10% लोग ऐसे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज कैसे बनता है, स्लाइड पे एक बार पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। द ह्यूमन सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय सेल्स इन द पैनक्रियाज वेयर इंसुलिन इज मेड। इट्स अनक्लियर व्हाट कॉज दिस अटैक। अबाउट 10% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव दिस टाइप। मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, देखिए, हमारे शरीर में जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग दिस ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी, हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करती है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इंसुलिन रिलीज करती है, और वो इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मैनेज करता है। ओके, अब किसी हुआ क्या कि किसी भी कारण से हमारी ह्यूमन सिस्टम ने उस सेल्स को डैमेज कर दिया। जी हां दोस्तों, हमारे ही शरीर के ह्यूमन सिस्टम ने किसी कारणवश, कोई मान लो कि बाहर से कोई वायरस अटैक हुआ था हमारे बॉडी में, उस वायरस को पे अटैक किया हमारे ह्यूमन सिस्टम ने, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया उसको अटैक करा हमारे ह्यूमन सिस्टम ने, उस दौरान ह्यूमन सिस्टम कुछ आइडेंटिफाई करने में कहीं से चूक किया, और नतीजतन क्या हुआ कि जो पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स थे जो इंसुलिन बनाते हैं, उसी सेल्स को डैमेज कर दिया। मतलब पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। ये कई जगह पे ये लिखे हुए हैं, यहां पे भी लिखे, इट्स टोटली अनक्लियर, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्यों ह्यूमन सिस्टम अटैक किया। बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के ह्यूमन सिस्टम ही हमारे ही सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनने पैनक्रियाज से बंद हो जाते हैं, और जब इंसुलिन बनने बंद हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और वो उस पेशेंट को, उस पर्सन को बोलते हैं कि इनको डायबिटीज की बीमारी हो गई है। वो किसी भी उम्र को हो सकता है, ज्यादातर जो बच्चों को डायबिटीज होता है उनमें आप उनको टाइप 1 देखेंगे।
और जिसको इंसुलिन बनना बंद हो जाता है उनके लिए जो ट्रीटमेंट है उस पर आगे हम लोग बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट होता है। उससे पहले मैं दूसरे टाइप के बारे में बात करता हूं, टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, हम जो अपने आजू बाजू जितने ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं ना जो डायबिटिक हैं, उनमें से ज्यादातर लोग आपको ये टाइप 2 वाले मिलेंगे। कोई हमारे अंकल, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी, ज्यादातर लोग उसमें टाइप 2 वाले होते हैं, क्योंकि आपने एक स्टडी रिपोर्ट ही देख लिया कि 10% ही लोग ऐसे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, तो 90% लोग में से मैक्सिमम टाइप 2 में आते हैं। अब टाइप 2 क्यों होता है ये समझना बड़ा जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज अकर्स व्हेन योर बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एंड शुगर बिल्डअप इन ब्लड, इन योर ब्लड। बात समझिए, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है कि जब हमारा बॉडी रेजिस्ट करता है इंसुलिन को, रेजिस्ट करता है मतलब प्रतिरोध करता है, मतलब उसको काम करने से रोकता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक। जैसे अगर आप बोटिंग कर रहे हैं और हवा आपके अगेंस्ट आ रही है, मतलब वो रेजिस्ट पैदा कर रहा है, वो प्रतिरोध पैदा कर रहा है। हमारा ही शरीर जब इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगता है, इंसुलिन को तरीके से उसका काम नहीं करने देता, मतलब यह है कि पेनक्रियाज इंसुलिन तो रिलीज कर रही है, पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन जब इंसुलिन जाकर के हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कम करने की तरफ जो एक्शन लेता है, उस एक्शन को हमारा ही बॉडी रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और उस कंडीशन में कि जब पिनक्रियाज तो बना रही है लेकिन शुगर लेवल को इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस तरह के डायबिटिक पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज का नाम से जाना जाता है। जो कि नॉर्मली हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, नॉर्मल सोसाइटी में, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में बात करेंगे तो लोग टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन डायबिटीज के और भी टाइप हैं जिसके बारे में हम एक एक लाइन में डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप है, इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक्स। ये प्री डायबिटिक्स क्या है? तो प्री डायबिटिक्स अकर्स व्हेन योर ब्लड शुगर इज हायर देन नॉर्मल बट इज नॉट हाई एनफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा तो हो जाता है ब्लड शुगर, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि डॉक्टर उसको टाइप 2 डायबिटीज के रेंज में बताए, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर की बॉर्डर लाइन पे है, कुछ आप इस तरीके से समझ लें। एंड द फोर्थ वन, ये चौथा टाइप का डायबिटीज क्या है? ये फीमेल्स में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं जेसेशनल डायबिटीज। ये जो महिलाएं जब कंसीव करती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान कई बार उनके अंदर डायबिटीज का लेवल, शुगर लेवल बढ़ जाता है उनके अंदर, दिस वन इज हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द प्लासेंट कॉज दिस टाइप ऑफ डायबिटीज। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन को ब्लॉक करने वाले हार्मोन्स बनते हैं कई बार बॉडी में, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये चार टाइप के डायबिटीज हैं, लेकिन हम इन चारों पे ज्यादा विस्तार से नहीं जाते, हम दो पे अपन बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर दो की वाले लोग आपको मिलेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका रेमेडी क्या है, इलाज क्या है, उसके बारे में बात करने से पहले मैंने आपको पहले बोला था कि डायबिटीज को दोस्त इग्नोर मत करिएगा। आपको कोई भी सिम्टम्स है या आपके जानने वाले किसी को भी कोई भी सिम्टम्स है डायबिटीज का, जितने भी सारे सिम्टम्स के बारे में मैंने बात की है, आप प्लीज उनको इग्नोर मत करिएगा। उनको आप पैथोलॉजिस्ट पे लेके जाएं, उनका ब्लड का सैंपल आप पैथोलॉजिस्ट को दें और ये जानने की कोशिश करें कि अगर अचानक से वेट लॉस हुआ तो डायबिटीज तो नहीं हो गया, अगर अचानक से जो है वो कम हो गया, ब्लरी दिखने लग गया, धुंधला दिखने लग गया तो डायबिटीज तो नहीं हो गया, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगता है तो आप जरूर चेक कराएं कि इनका शुगर लेवल तो नहीं बढ़ गया। इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि एट मेनी टाइम्स इट सीम्स ये देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं जब हम इग्नोर करते हैं। वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों के खतरा से हम बच जाते हैं, लेकिन जैसे वो कंट्रोल से बाहर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। वो क्या क्रिएट कर सकता है, एक एक करके बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाई डायबिटीज, राइट, हार्ट डिजीज का खतरा हो सकता है, मतलब दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती है डायबिटिक पेशेंट को, किसी को भी हो सकती है बट डायबिटिक को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मोटा मोटा आप समझिए, हर बीमारी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा
डायबिटिक पर्सन को होने का खतरा रहता है। न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ सकती है, नसों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। रेटिनोपैथी एंड विजन लॉस, रेटिनोपैथी विजन लॉस मतलब आंखों से दिखने, आई लॉस, आई साइट में हमारा जा सकता है। रेटिना जो पर्दा है आंखों पे जिस पे इमेज बनता है हर एक ऑब्जेक्ट का जिसको हम देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और रेटिना में प्रॉब्लम आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही टफ हो जाता है। तो प्लीज डोंट इग्नोर अगर कोई भी आपके अंदर हो। हियरिंग लॉस हो सकता है, हमारे सुनने की कैपेसिटी खत्म हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए। फुट डैमेज हो सकता है, पैरों में ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं कि जल्दी हील ही नहीं होते। तो आप प्लीज डोंट इग्नोर एनी सिम्टम्स यू एंड योर फैमिली। कोई भी पर्सन के अंदर अगर उस तरीके का सिम्टम्स है तो आप कृपया करके उसको इग्नोर ना करें। आप पैथोलॉजिस्ट पे जाकर उनका चेक कराएं कि डायबिटीज लेवल तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं हो गया, शुगर लेवल तो नहीं बढ़ गया। अगर बढ़ गया है तो आज से डायबारूट उनको देना शुरू करें। कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत शानदार तरीके से फायदा करने वाला है। इस पर बात करते हैं। स्किन कंडीशन में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो स्किन की जो इम्यूनिटी है वो भी कम वीक होने लग जाती है डायबिटिक के अंदर। डिप्रेशन की में जा सकते हैं और डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। डिमेंशिया इट्स अ काइंड ऑफ पागलपन आप कह सकते हैं। तो बहुत खतरा हो सकता है। तो प्लीज 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 अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या किसी भी जानने वालों को उनमें से कोई सा भी एक लक्षण है जो मैंने आपको बताया तो आप उनको इग्नोर ना करें, उनको नॉर्मल तरीके से ना लें, उनको कैजुअल तरीके से ना लें। सीरियसली उनका ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। और आजकल तो हमारे खान पान इतना गलत हो चुका है, हमारा लाइफ स्टाइल इस तरीके से है, हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, पहले लोग बहुत काम करते थे, तो ऐसे ही खतरा बढ़ते जा रहा है। तो हमें तो ऐसे ही अपने ब्लड शुगर को रेगुलर चेक करवाते रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको हम ठीक कैसे करें। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो एक एक करके बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का पहले बात करते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज है दोस्त, जो मैंने बोला था टाइप 1, फिर से आपको रिपीट करता हूं, टाइप 1 डायबिटीज कब होता है, जब पनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। उसका कॉज भी बताया कि पनक्रियाज में जो सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जो सेल्स को, उस सेल्स को हमारा ही इम्यून सिस्टम ने अटैक करके खत्म कर दिया। कारण क्या है वो अब तक अननोन है। ये साइंटिस्ट खोज करके जब बता देंगे तो सबको पता लग जाएगा कि क्यों अटैक करा, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ ये क्लियर है कि पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, मतलब साफ है कि टाइप 1 डायबिटीज हो गया। ऐसे कंडीशन के अंदर आप देखेंगे उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसुलिन इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज। इट रिप्लेस द हार्मोन इन योर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस। जो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की, जो हमें ज्यादातर लोग मिलेंगे, जो भी हमारे नियर डियर होंगे उनमें ज्यादातर लोग टाइप 2 वाले होंगे। टाइप 2 वाले का जो डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है, किन किन चीजों से मैनेज किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल को चेंज करके, खान पान को ठीक करके कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं ना आप रनिंग करना शुरू करें, जॉगिंग करना शुरू करें, फिजिकल वर्कआउट करें, आलू ना खाएं, चावल ना खाएं, ये ना करें, वो ना करें, मीठा ना खाएं, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर डॉक्टर उनके लिए कोई मेडिसिन, कुछ गोलियां देते हैं कि आप इसको खाते रहिए, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, तो आप इन सब खतरों से, उन बीमारियों के होने से आप बच जाएंगे। इज इट क्लियर, क्लियर है सभी लोगों को? यस, राइट। आगे चलते हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया कि टाइप 1 में इंसुलिन दिए जाते हैं, टाइप 2 में मेडिसिन दिए जाते हैं। अब फिर मैं आपसे बात करूंगा कि मेडिसिन बाजार में अवेलेबल है और डॉक्टर आपको लिखते हैं, फिर सवाल हम सभी से एक ही है कि हम एलोपैथी की तरफ जाएं या अपने आयुर्वेद की तरफ जाएं। एलोपैथिक दवाइयां हमें मदद तो करती है, फास्ट रिलीफ तो देती है, लेकिन हर एलोपैथिक दवाइयों के अंदर कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब जानते हैं। और मेडिकल साइंस भी इस चीज को कहती है कि ज्यादातर दवाइयों के मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ के साइड इफेक्ट्स बड़े लॉन्ग टर्म के बाद समझ में आता है, कुछ के साइड इफेक्ट्स इमीडिएट समझ में आने लग जाते हैं। तो अगर हम अपने पौराणिक पद्धति पे लौट जाएं और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में आयुर्वेद का इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है जिससे कि सारी बीमारियों का इलाज है, तो हम आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए या अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाना चाहिए? सवाल मेरा आप सभी लोगों से है। आप खुद बोलिए कि हमारे शरीर के लिए अंग्रेजी दवाइयां ज्यादा फायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म में या आयुर्वेदिक।
डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि हमें आयुर्वेद पे जाना चाहिए। हम लोग आयुर्वेद पे नॉर्मली नहीं जाकर के अंग्रेजी दवाइयों की तरफ चले जाते हैं कि वो आसान लगता है कि गोली खा लेना ईजी है, आयुर्वेद से औषधि तैयार करना मुश्किल है। और बड़े सालों से हमारे देश में लोग जब मेडिकल साइंस अंग्रेजी दवाई आने लग गई तो लोगों का आयुर्वेद से रुझान थोड़ा हट गया था, अब दोबारा से रुझान शुरू होने लग गया है और लोग आयुर्वेद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इट्स अ गोल्डन टाइम कि हम अपने लोगों को बताएं कि कोई बात नहीं, अगर आपको डायबिटीज हो गया है या नॉर्मल स्टेज में है तो हम आयुर्वेद मतलब अंग्रेजी दवाई की जगह ये डायबारूट एक प्रोडक्ट है, रूट प्योर ने सभी अपने उन भाई बहनों के लिए, उन दोस्तों के लिए तैयार करा जो किसी भी कारण से मधुमेह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं, जिनका शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहता है, उनको लिए राममान औषधि है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कई सारे लोगों के वीडियोस YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर लोगों ने, यूजर ने डाले हैं, वो देख करके आपका और दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यह प्रोडक्ट क्या है, कैसे बना है, इंग्रेडिएंट क्या क्या है और किस तरीके से यह काम करता है। चलिए, सो इट्स एन आयुर्वेदिक मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ प्रवाही क्वाथ। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है प्रवाही क्वात के रूप में। अब प्रवाही क्वात क्या है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। अगर आप ये अच्छे से जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि प्रवाही क्वात किसको कहते हैं तो मेरा वीडियो देखिए आप, जिसमें मैंने नर्व रूट के बारे में ट्रेनिंग दिया है। और नर्व रूट जिस दिन मैंने ट्रेनिंग लाया था उस दिन प्रवाही क्वात के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है, आप उसमें देखेंगे 5 से 10 मिनट का एक पार्ट है प्रवाही क्वात के ऊपर, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रवाही क्वात कैसे बनाया जाता है। सो इसलिए मैं आज प्रवाही क्वात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गो टू द वीडियो, आप रूट प्योर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए हमारा वो पुराना वीडियो जिसमें मैंने नर्व रूट के बारे में बताया था, उसमें प्रवाही क्वात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है। चलिए, अब इसमें क्या क्या है, ये क्या कहां कहां पे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सब शेयर करने जा रहा हूं। यूजफुल टू रेगुलेट ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, मतलब शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको प्राउड होगा जानकर, हेल्पफुल फॉर पनक्रियाज वेलनेस, मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही करता है, पनक्रियाज को भी रेगुलेट करता है, उसको भी हेल्दी बनाता है। मतलब लंबे समय तक हम लोग इसको लें तो जो पनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है वो कोई बड़ी बात नहीं कि दोबारा से पनक्रियाज आपका इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि उस डेड सेल को दोबारा से जिंदा कर सकता है, नहीं तो पूरी जिंदगी हमने इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। सो जो भी भाई बहन को टाइप 1 भी है उनको बोलिए इंसुलिन अपना लेते रहें और साथ में लेना शुरू करें और वॉच करते रहेंगे धीरे धीरे करके उसके डोजेज कम करके। आगे मैं इस पे बात करूंगा। तो प्राउड वाली बात ये है कि ये ब्लड शुगर पे तो काम करता ही करता है, पिनक्रियाज को भी वेल करता है, उसका डेड सेल्स को भी ठीक करने में काम करता है। वो कैसे करता है मैं आगे कुछ आपसे बात करूंगा। बूस्ट मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म सिस्टम को ठीक करता है, मेटाबोलिज्म सिस्टम ठीक रहेगा, खाना ठीक से पचेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बाकी चीजें वेस्ट चली जाएंगी, तो हमारे को इन सब चीजों में ऐसे ही हेल्प मिलेगा। अब इस बात करते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है, और इंग्रेडिएंट्स इसमें ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि हम सब लोग उससे चीर परिचित हैं, सभी के सभी भारतवासी, ज्यादातर लोग, मैं बोलूं 99% लोग इनमें से मैक्सिमम इंग्रेडिएंट से पहले से चीर परिचित हैं और उसके बारे में जानते हैं। वो एक एक करके बात करते हैं। एलोवेरा, अब एलोवेरा के बारे में मैं आपको बताऊं एलोवेरा के कितने गुण हैं, कितनी खूबियां हैं, जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आंवला जानते हैं आप, ये हरिताकी को ना हम लोग हरर बोलते हैं, कहीं पे हरे बोला जाता है, जो त्रिफला होता है ना आंवला हरे बहेरा, हाँ वो बहेरा को बीबीताकी बोला गया है। तो ये तीनों चीजें हैं, तो त्रिफला आ गया, तो ऐसे ही हमारे स्टोमक के लिए, हमारे आंतों के लिए कितना पावरफुल चीज हो गया। जब ये ठीक से काम करेगा तो हमारे पिनक्रियाज को भी काफी हेल्दी रखेगा। और क्या क्या इसमें, करेला, करेला के बारे में मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करूंगा क्योंकि करेला को रामबाण बोला गया है डायबिटीज के लिए। इसमें कुछ ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं, मैं थोड़ा विस्तार से 2-3 इंग्रेडिएंट को लेकर के बात करने वाला हूं। जामुन, जामुन की जो गुठली है, जामुन की गुठली डायबिटीज के लिए रामबाण है, करेले का जूस डायबिटीज के लिए रामबाण है, नीम डायबिटीज के लिए रामबाण है। अब कई लोग बोलेंगे नीम, करेला, जामुन डायबिटीज के लिए 3 बड़ा ही मेजर इंग्रेडिएंट है। हाँ, मेजर इंग्रेडिएंट है और ये सब चीजें हमें आसानी से मिल जाता है। आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपको जामुन भी इजिली मिल जाएगा, आपको नीम भी इजिली मिल जाएगा, आपको करेला भी इजिली मिल जाएगा, वो तो हमारे किचन में सब्जियों में आया जाता है। तो लोग बोलेंगे फिर डायबर रूट लेने की जरूरत क्या है,
जरूरत इसलिए है दोस्त कि हमें नहीं मालूम कि इंग्रेडिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, हमें ये नहीं मालूम कि किस फॉर्म में लेना है, हमें ये नहीं मालूम कि कितना किस किस चीज़ के साथ मिक्स करना है। अगर मैं अपने लिए घर में औषधि तैयार करूंगा तो मेरे लिए नॉलेज लेना होगा कि मेरे को नीम का रेशियो क्या करना है, करेले का रेशियो क्या करना है, जामुन का रेशियो क्या करना है, और शायद हम इन चीज़ों को ना कर पाएं। इसीलिए रूट प्योर आप सबके लिए लेकर के आई है रेडीमेड प्रोडक्ट जिसका नाम है डाबर रूट। इसमें एक प्रोडक्ट है गुरमार, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है ये गुरमार, एक इंग्रेडिएंट है, नाम से यहाँ पता लग रहा है गुड़ मार, मीठा को दूर करता है। इसकी खासियत आगे मैं अब जब इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस करूंगा। निर्गुंडी को तो ऐसे ज्वाइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बट ये डायबिटीज़ में भी काफ़ी इफेक्टिव है। मेथी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा मेथी दाना खाने से डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल होता है। तुलसी, सिनामन मतलब हमारे किचन में पाया जाता है दालचीनी, मसाले के रूप में यूज करा जाता है, बहुत फ़ायदा है, इसके बारे में बात करूंगा। हल्दी एंटीबायोटिक होता है, करक्यूमाइन हम इसका यूज़ करते हैं। तो जिंजर, अदरक सब जानते हैं, लौंग, मामा जेवा, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, एलोवेरा, आंवला, हरे बहेरा, करेला, जामुन, नीम, गुरमार, निरगुंडी, मेथी, तुलसी, सिनामन यानी कि दालचीनी, हल्दी, अदरक, लौंग एंड मामा जेवा, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाबर रूट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देर आर मेनी, जो मैं सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, जो कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रामबाण की तरह काम करता है, उनके लिए अमृत है, उनके लिए औषधि है। हाँ, ये अमृत है, पीने में अमृत नहीं है दोस्त, बहुत बुरा स्वाद है। मेरे से किसी ने फ़ोन करके बोला सर ये तो बहुत ही कड़वा है, मैंने बोला आपको बीमारी ऐसी है जिसमें दवाई कड़वी देनी पड़ेगी, आपको मीठी दवाई नहीं दे सकते, आपको कड़वी लेनी पड़ेगी। लेकिन कड़वी दवाई लेने के बाद जो उनके चेहरे पे खुशियाँ आई ना, मेरे एक मित्र हैं राजेश जी, मेरे नेटवर्क में काम करते हैं, बहुत पहले से मैं उनको जानता हूँ, तो उनको डायबिटीज़ है और उन्होंने जब ये लेना शुरू करा, मुझे फ़ोन करके बताया, उन्होंने रिपोर्ट्स भी अपने फेसबुक पर डाले थे, कई लोगों को पता भी होगा, वीडियो बनाकर डाले थे। चलिए इन्ग्रीडियंट्स में मैं हमेशा की तरह आज भी बोलूंगा कि अगर एक पतीला चावल बनाना हो तो वो चावल पक के तैयार हुआ या नहीं, इसको जानने के लिए पूरे पतीला को में से सारे चावल को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन दाना निकाल करके ऐसे उंगलियों से मसल लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि चावल पक के तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे ही सारे के सारे इंग्रेडिएंट के बारे में अगर उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी और उस उतनी डेप्थ में और विस्तार में जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं शायद, उतना डेप्थ और विस्तार में अगर आपको जानना है तो आप एक एक इंग्रेडिएंट को गूगल पे डालेंगे, उसके सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। करेला के बारे में मैं बात खास तरह से इसलिए करना चाहता हूँ कि करेला के अंदर क्या क्या है इसको समझिए। करेला ऑफर्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस विद मिनरल्स, मिनिमल कैलोरीज एंड कार्ब्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, कैलोरी बहुत कम होता है, न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा है। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रो विटामिन ए एंड विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा करेले के अंदर ये लाइन आप जरूर ध्यान से पढ़िए, जितने भी डायबिटीज लोग हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट कंटेन्स थ्री मेन कंपोनेंट दैट हैव been shown to have glucose lowering properties. तीन ऐसी चीजें हैं, तीन ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं करेला के अंदर जो शुगर की मरीज के लिए, मधुमेह से ग्रसित रोगियों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। वो तीन क्या क्या है उसके कंपोनेंट यहां पे लिखा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड पी, कैरेटीन एंड विक्सिन। अब ये पॉलीपेप्टाइड पी के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये पॉलीपेप्टाइड पी क्या है। पॉलीपेप्टाइड पी इज थॉट टू फंक्शन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ इंसुलिन। समझ में आ गई बात, जो काम इंसुलिन करता है वही काम ये पॉलीपेप्टाइड पी करता है जो करेले में पाया जाता है। ये सीधा पॉलीपेप्टाइड पी को हमारे ब्लड के अंदर डालता है और इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई लेवल पर नहीं जाने देता। सेम फंक्शन ये पॉलीपेप्टाइड पी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो करेले के अंदर पाया जाता है और हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। करेले को हम खान पान में भी इसको लाएं। अनदर थिंग जो स्टडी कहती है, जो लिखा गया है यहाँ पे, जिस पे आपको प्राउड होगा कि हमारे आयुर्वेद में, हमारे मतलब देश के अंदर कितना खजाना छुपा हुआ है।
लिखता है, एक स्टडी कहता है सेवरल अदर कंपाउंड्स इन करेला जूस मे हेल्प प्रोटेक्ट एंड इवन रीजनरेट. मैं दोबारा पढ़ता हूं, सुनिएगा. सेवरल अदर कंपाउंड्स इन करेला जूस मे हेल्प प्रोटेक्ट एंड इवन रीजनरेट सेल्स इन योर पेनक्रियाज. समझिए, मैंने बोला था पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है और वही इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एनफ नहीं होने देता. इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला, टाइप वन किस क्यों होता है? टाइप वन तब होता है जब पेनक्रियाज, दोबारा समझिए, टाइप वन डायबिटीज तब होता है जब पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देती है. क्या है, करेले के अंदर बड़े सारे ऐसे तत्व हैं जो पेनक्रियाज को वेलनेस प्रोवाइड करता है और रीजनरेट भी करता है उस सेल्स को. ये मैंने नहीं लिखा, ये स्टडी है लोगों के, बड़े बड़े साइंटिस्ट के, वेदा चार्ज के, जिसको मैंने किताबों से निकाल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के लिखा हुआ है. इसमें ये पावर है कि हमारे पेनक्रियाज के उस सेल्स को रिपेयर कर सकता है, जो सेल्स हमारे ह्यूमन सिस्टम ने जिस सेल्स को खत्म कर दिया था, मार दिया था अटैक करके किसी भी कारण से, जिसकी वजह से वो सेल्स ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया था, उस सेल्स को रीजनरेट करने की ताकत इस करेले में है. और ये सिर्फ करेले में नहीं, इसमें जितने इंग्रेडिएंट डले हैं उनमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट के अंदर ये ताकत है कि पेनक्रियाज के डेड सेल्स को रीजनरेट करके दोबारा से इंसुलिन रिलीज करने को तैयार कर सकता है. अब सामने होते तो मैं बोलता तालियां बजा दो, तो आप जहां देख रहे हो, जहां सुन रहे हो, वहीं से तालियां बजा दो. राइट, सो एंड द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग इंसुलिन. आप समझ गए होंगे कि ये टाइप वन पे भी कैसे काम करेगा, लंबे समय तक लेंगे तो काम करता है. गुड़मार, नाम से ही पता लग रहा है, गुड़मार. इसकी एक खास प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा. वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड्स कंपोनेंट्स इन गुड़मार इज सिनेमिक एसिड विच हेल्प सप्रेस स्वीटनेस. अच्छा, ये मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ. गुड़मार की खासियत है, इस पत्ते को लेकर के चबा लेंगे आप, मीठा का तलब खत्म हो जाएगा, मीठा का इफेक्ट नहीं आने देगा. मतलब कहते हैं ना, कई लोगों को खाना खाने के बाद मन करता है कि कुछ मीठा होता तो अच्छा रहता. कई डायबिटीज दोस्तों को जानता हूँ कि मीठा खाने का दिल करता है, नहीं खाते, फिर शुगर फ्री एडेड मिठाई वगैरह ढूंढते हैं, डाइट कोक ढूंढते हैं कि थोड़ा मीठा का तलब भी दूर हो जाए. ये तलब ही खत्म कर देता है. वो जैसे सिगरेट छोड़ने के लिए दवाइयाँ आती हैं ना तरह तरह की, कि वो लोग तो उसकी तलब खत्म हो जाएगी, वैसे ही मीठे की तलब को कम करने के लिए गुड़मार का इस्तेमाल किया जाता है. स्टडी कहता है, स्टडी सजेस्ट दैट कंज्यूमिंग 200 टू 400 मिलीग्राम ऑफ सिनेमिक एसिड रिड्यूस द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्बेशन ऑफ शुगर ग्लूकोज. बोला है कि 200 से 400 मिलीग्राम तक सिनेमिक एसिड जिन लोगों ने लिया, कंज्यूम करा, तो उनकी आंतों के अंदर जो शुगर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसी को रिड्यूस कर दिया. आंत ने मतलब शुगर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं भेजा, आप समझिए, खाने में जो शुगर उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं भेजा, हमारे वेस्ट के रास्ते से स्टूल में निकाल दिया. हो आप, कितनी बड़ी चीज है ये, जाने नहीं दे रहा है. मतलब ये गुड़मार की ताकत है कि ब्लड में शुगर को जाने नहीं देगा, और चला गया जो उसके लिए करेला उधर रेडी है कि उसको कंट्रोल कर लेगा, और इंसुलिन नहीं बना रहा पेनक्रियाज तो उसको भी हेल्प करेगा. तो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट. बहुत स्पेसिफिक तरीके से मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं. इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इट इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन एंड रीजनरेटिंग इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स इन पेनक्रियाज. आमला भी ये काम करता है, सॉरी करेला भी ये काम करता है, और गुड़मार भी ये काम करता है. क्या, मैं दोबारा जो आखिरी लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों की उम्मीदें छोड़ देते हैं, इंसुलिन लगने लग गया तो लाइफ टाइम लगेगा. सर, कुछ तो बॉडी पे डिपेंड करता है, हमारे खान पान पे डिपेंड करता है, हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वो ताकत है. हाँ, बड़े दावे के साथ मैं कहता हूँ कि उसमें वो ताकत है कि उस पेनक्रियाज के सेल्स को रीजेनरेट कर सकता है, ताकि वो सेल्स दोबारा से इंसुलिन बनाना शुरू कर दे. और आप सोच के देखो ना, सेल्स अगर इंसुलिन बनाना शुरू कर दे, हमें इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेने पड़े, इससे बड़ी जीत क्या होगी साहब? नेचुरल डाइट पे आ जाएंगे आप. चलिए, सिनेमन, दालचीनी किचन में पाया जाता है, लोग हम यूज करते हैं. सिनेमन कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस. बॉडी में मेजर दो कारण हैं शुगर लेवल बढ़ने के, पहला पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद करता है, दूसरा अगर इन पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता भी है तो हमारा बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करता है. ये दालचीनी क्या करता है कि वो जो रेजिस्टेंस
कैपेसिटी है ना कि हमारा शरीर जो इंसुलिन को काम करने से रोकता है उस रेजिस्टेंस पावर को ये डिक्रीज करता है। मतलब अगर जो भी इंसुलिन बन रहा है वो किसी भी कारण से हमारा ही बॉडी उसको ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में अवरोध पैदा करता था, उसमें परेशानी डालता था, उस परेशानी को ये कम करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सिनेमन कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, ड्रामेटिकली रिड्यूस इंसुलिन रजिस्टर की हमारे बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी डेवलप हो गया, डायबिटिक लोगों को क्या टेंडेंसी डेवलप हो गया कि बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर पिनक्रियाज ने बनाया भी उसको काम करने से हमारा शरीर रोकता है, वो जो रोकने की टेंडेंसी डेवलप हुई उस टेंडेंसी को ये कम करता है। समझ में आ गया बात? दोबारा बात आऊं, हमारे बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो गया। क्या टेंडेंसी डेवलप हुआ कि वो जो इंसुलिन बनाया पेनक्रियाज ने उस इंसुलिन को काम करने से रोकता है, और ये जो टेंडेंसी डेवलप हुआ है यानी काम करने से रोकने की टेंडेंसी जो डेवलप हुआ है उस टेंडेंसी को कम करता है ये दालचीनी, जिसको सिनेमन कहते हैं। एंड बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी सिनेमन कैन लोअर ब्लड शुगर लेवल। मतलब साफ है कि जब आपके रास्ते में आप गाड़ी चला रहे हैं, जो अवरोध था, जो ब्रेकर्स थे, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलेगी। जो इंसुलिन काम कर रहा था उसमें जो अवरोध था, जो रुकावट थी, जो रेजिस्टेंस था, जो प्रतिरोध था, उसको ये कम किसने किया? सिनेमन ने करा, दालचीनी ने किया। जब उसको कम कर दिया तो सेंसिटिविटी बढ़ गई इंसुलिन की, इंसुलिन ने अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड शुगर कम हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? राइट, तालियां बज रही है ना? हाँ, यस। सो ऐसे करके ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सिनेमन हैज बीन शोन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट एंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम आफ्टर अ मील। ये भी देखा गया कि अगर हम दालचीनी का सेवन करते हैं तो खाने के बाद जो शुगर हमारे ब्लड में जाता है उसको ये रोकता है। इस तरीके से साइंटिफिकली एक एक इंग्रेडिएंट आपके पास इतने शानदार तरीके से, और जो इनकी सोर्सिंग है, जो इसको हम सोर्स करते हैं इतनी बेहतर क्वालिटी का, और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो तौर तरीका है इतने साइंटिफिक एंड हाइजीन तरीके से है कि इनकी क्वालिटी उम्दा है। हाँ, टेस्ट को लेकर मैं ज़रूर बोलूँगा कि शायद आपको नाक बंद करके पीना पड़े, बिकॉज इसमें जितनी चीज़ें डली हुई है ना उनमें मैक्सिमम इन्ग्रीडियंट बेटर है, तीखा है, कड़वा है। नीम कड़वा है, इसमें चिरैता भी है कड़वा है, करेला कड़वा है, सारे के सारे कड़वे कड़वे इंग्रेडिएंट मेजर हैं, तो वो गुरमार, उसकी स्मेल भी बेकार है, उसका टेस्ट भी बेकार है, लेकिन फायदे बहुत हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो फॉर टेस्ट। और मेरे पिताजी एक हमेशा बात बोलते हैं कि ये 4 इंच, वो 6 इंच के जीभ के लिए 6 फीट के शरीर को हम लोग खराब कर देते हैं, तो उस पर मत जाएं और इसका ध्यान रखें। अब लोगों के द्वारा कुछ पूछे गए कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो मुझे मालूम है कि आप सवाल तो मुझसे पूछ नहीं पाएंगे ऑनलाइन, तो मैं सवाल खुद ही पढ़ के जवाब देता हूं। लोगों के क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोजेस? आपके बोतल पे लिखा हुआ है 30 ml मॉर्निंग इवनिंग ल्यूक वार्म वाटर में मिला करके पीना है, 10 times वाटर में मिला करके जूस फॉर्म में उसको लेना है, 30 ml लिया तो 300 ml वाटर में मिला करके पिए, थोड़ा मुश्किल काम जरूर है बट आप पिए, जल्दी डिजॉल्व करेगा वाटर ज़्यादा रहेंगे तो। एक बड़ा मेजर सा क्वेश्चन है जो सभी लोग करते हैं, कई लोग मुझसे कॉल करके भी पूछते हैं कि जो पेशेंट पहले से जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं क्या उनको बंद कर दें? शुड द पेशेंट स्टॉप एलोपैथिक मेडिसिन? नहीं, जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको एकदम से बंद नहीं करना। हाँ, आपको ये काम करना है कि आप क्या करिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं कि अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं इतने सालों से और आपने डाइबारूट लेना शुरू कर दिया तो डाइबारूट भी लेते रहिए। आफ्टर 1 week आप क्या करिए, एक बार ब्लड शुगर लेवल चेक कराइए, फिर से आप अगर 2 गोली ले रहे थे तो आप 1 गोली लेना शुरू करिए, 1 हफ्ते बाद फिर से ब्लड शुगर लेवल चेक कराइए, अगर कंट्रोल में है अब उस 1 गोली को आप अल्टरनेट डे में लेना शुरू करिए, और ऐसे करके धीरे धीरे करके आप कुछ दिन तक दवाई को स्किप करके छोड़िए। अब एक दिन बीच करके ले रहे हैं, फिर 1 महीने बाद अब उसको 2 दिन बीच करके लेना शुरू करिए, क्योंकि बॉडी को ना उस अंग्रेजी दवाइयों की आदत हो गई है तो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, बट धीरे 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 आप डे विल कम कि आपकी अंग्रेजी दवाइयां खत्म हो जाएगी और आप कंप्लीट डाइबारूट पे आ जाएंगे। राइट, एंड लोगों के सवाल आते हैं, पर्सन हुआ टेकिंग इंसुलिन कैन टेक दिस प्रोडक्ट, कि जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं क्या वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है? हाँ, 100% ले सकता है। ऊपर वाले ने जहाँ तो उसकी इंसुलिन भी बंद हो जाएगी, बस रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा, टेस्ट करवा करवा के, और वो भी इंसुलिन की डोज आप कम करके देख सकते हैं।
अब टू विच लेवल ऑफ ब्लड शुगर दिस प्रोडक्ट कैन बी गिवन। कई लोग बोलते हैं कि सर किस लेवल का, किसी का 200 है, 300 है, 150 है, 400 है, किसमें दें? हर किसी को दें। किसी भी लेवल का है ब्लड शुगर आप उसको दें, इसको कंट्रोल करने की उसके अंदर ताकत है। एक और कई क्वेश्चन आते हैं, कैन ए चाइल्ड टेक दिस प्रोडक्ट, क्या छोटा बच्चा ले सकता है? पहली बात, छोटा बच्चा इसका टेस्ट की वजह से ले नहीं पाएगा। दूसरी बात, एडवाइजेबल जो साइंटिफिक तरीके से 10 साल से नीचे के बच्चों को नहीं है। 10 ईयर एंड अबव जो चाइल्ड है, अगर उसको किसी कारण से डायबिटीज हो गया, भगवान ना करें किसी बच्चे को हो, लेकिन अगर कोई मिलता है तो 10 साल से ऊपर के बच्चे को आप ये दे सकते हैं। एंड कौन नहीं ले सकता? तो प्रेग्नेंट महिला नहीं ले सकती कोई भी प्रोडक्ट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हाउ लॉन्ग वी शुड टेक दिस प्रोडक्ट, कितने लंबे समय तक लेना चाहिए? डॉक्टर ने आपको बोला है अंग्रेजी दवाइयाँ लाइफ टाइम खानी है, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी छोड़ दो, ये पीते रहो। और आप स्टार्टिंग में तो 3-4 महीने तक मिनिमम पीजिए, उसके बाद आप चेक करते रहिए, आपका कंट्रोल में रहे तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर लगे कि बढ़ रहा है तो फिर पीना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट्स वेरीज बॉडी टू बॉडी। क्या पता आपका दोबारा से इंसुलिन एकदम से पनक्रियाज वेल हो जाए, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, और इतना इंसुलिन बनने लग जाए कि जरूरत ना पड़े तो, बट ये लेना पड़ेगा लंबे टाइम तक। प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशन रखने दोस्त, हमने सावधानियां क्या क्या बरतनी है? अवॉइड इनटेक ऑफ शुगर, जो बाहर से चीनी डाल के चाय पीते हैं, चीनी डाल के खीर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उनको आप प्लीज 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 बंद करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर लेंगे आपकी बॉडी इंसुलिन ठीक से बना नहीं रही है, अगर बना भी रही है तो बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप कई मतलब आपको ये दिक्कत करेगा, आपको डोजेज बढ़ाने पड़ेंगे और आपको शायद वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? लेस कंजप्शन ऑफ हाई कार्ब्स फूड, मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाना को अवॉइड करें, चावल, आलू, मैदा, आयली चीज, तला हुआ चीज, कुछ भी, घी, मक्खन, ये सब चीजें कम करें, मतलब ना के बराबर लें। एंड और क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए? रेगुलर चेकअप ऑफ शुगर लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने डायबिटिक लेना शुरू करा तो 4 महीने आप चेक ना कराएं, आप इसको रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। नेक्स्ट, टेक डायबिटिक इन एम्प्टी स्टोमिक, खाली पेट लेंगे ज्यादा असर करेगा, यस दो सुबह भी और शाम भी। और क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? मस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटीज, डायबिटिक पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य है, इसको करना ही है, मॉर्निंग वॉक करना है, थोड़ी जॉगिंग करना है, कुछ कुछ एक्सरसाइज करना है, ये करेंगे तो ये ज्यादा असर करेगा। एंड डोंट कंज्यूम शुगर एडेड ड्रिंक एंड एल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक पीना है कभी मन कर गया, ऐसे तो पीना ही नहीं चाहिए, उसके नुकसान ही नुकसान है। अगर पीने का मन कर गया तो दो तरह के आते हैं, शुगर एडेड और डाइट आते हैं, कोई सा भी आप सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लेंगे, मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, तो आप डाइट वाले लें, यानी शुगर फ्री वाले लें, शुगर एडेड ना लें, एंड एल्कोहल बिल्कुल ना लें, बंद कर दें एल्कोहल, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही बुरा है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस जो हमने लेने हैं, और आपको मालूम है आपके हाथ में आज एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो कि पूरे हिंदुस्तान में आप घर घर को स्वस्थ रखना है, संपन्न बनाना है। आप किसी को भी जानते हैं जिनको ये डायबिटीज है तो आप उनको जरूर दें डायबिटिक, किसी को आप जानते हैं जिनको इनमें से कोई सा भी सिम्टम है उनको बोले चेक कराए, और अगर उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिले तो इमीडिएट देना शुरू करें। जिनको इमीडिएटली नया नया हुआ उन पर तो एकदम से असर करेगा, जो अंग्रेजी दवाइयाँ सालों से ले रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो डेफिनेटली बहुत असरगार है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी जितने भी सुन रहे हैं, आपको इस दिए गए जानकारी से आपको फायदा होगा, आप इसको अच्छे से प्रमोट करेंगे, आप अपने सभी जानने वाले की शुगर से मुक्ति दिलाएंगे, अंग्रेजी दवाइयों से उनको दूर रखेंगे, आयुर्वेद पे लेकर आएंगे, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। आई विश कि आप सभी लोग अपने सभी जानने वालों को स्वस्थ बनाएं और उनको रूट प्योर बिजनेस प्रोवाइड करो जिससे उनके लाइफ में समृद्धि भी आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच।